डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मेथड ऑफ अचीविंग गुड कम्यूटेशन में क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ डिलेड कम्यूटेशन। डिलेड कम्यूटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले की क्लासेस में। अगर आप में से कोई भूल चुका है तो पिछले क्लास की एक बार आप लोग वीडियो देख लें कि डिलेड कम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, डिलेड कम्यूटेशन किस वजह से होता है? रिएक्टेंस वोल्टेज, जो आर्मेचर कॉयल अंडरगोइंग कम्यूटेशन है उसमें जो रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप होता है वो रिवर्सल ऑफ आर्मेचर करंट को अपोज करता है, जिस वजह से कम्यूटेशन फिनोमेना डिले हो जाता है और कम्यूटेशन डिले होने से ब्रशेस पे स्पार्किंग होती है। तो इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे गुड कम्यूटेशन के लिए? उसके लिए पहला मेथड है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो द इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज कैन बी मिनिमाइज्ड इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज सफिशियंटली लार्ज एज कंपेयर्ड विद द रिएक्टेंस वोल्टेज। यानी रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हम क्या कर सकते हैं डिलेड कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए? अगर ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए कंपेयर टू रिएक्टेंस वोल्टेज, तो इससे रिएक्टेंस वोल्टेज के इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो ज्यादा कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप ऑफर करते हैं, इस वजह से ये डीसी मशीन में यूज किए जाते हैं। और ये जो मेथड है ये गुड कम्यूटेशन को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इस तरह से दिस मेथड ऑफ अचीविंग गुड कम्यूटेशन थ्रू यूज ऑफ कार्बन ब्रशेस, थ्रू यूज ऑफ कार्बन ब्रशेस हैविंग सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस ड्रॉप इज कॉल्ड रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि कार्बन ब्रशेस की हेल्प से सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस ड्रॉप को अचीव करना, जिससे कि रिएक्टेंस वोल्टेज के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। इस मेथड को कहते हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। दिस मेथड इज ओनली यूज्ड इन फ्रैक्शनल किलोवाट कम्यूटेटर मशीन्स। ठीक है, क्योंकि ड्रॉप इंक्रीज करेगा अगर ब्रशेस पे बहुत ज्यादा तो उससे एफिशिएंसी मैटर करती है। इस वजह से सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स में इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं टू मिनिमाइज डिलेड कम्यूटेशन। सेकेंड मेथड है डिलेड कम्यूटेशन को मिनिमाइज करने का वोल्टेज कम्यूटेशन। ये सबसे ज्यादा यूज होता है डीसी मशीन्स में अबव स्मॉल किलोवाट डीसी मशीन्स। तो ये मेथड इम्पॉर्टेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये सबसे पहले जान लीजिए, अभी तक आप रिएक्टेंस वोल्टेज के बारे में सुन रहे थे। इन एडिशन टू रिएक्टेंस वोल्टेज विच इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल अंडरगोइंग कम्यूटेशन एन एडिशनल वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर इन द न्यूट्रल जोन बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ एम एन ए ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। जैसे भी कुछ देर पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से न्यूट्रल जोन में भी फ्लक्स बनने लगती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल जोन में भी पहुंच जाती है। तो जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो लगातार रोटेट हो रहे हैं। रोटेट होते हुए आर्मेचर कंडक्टर जब न्यूट्रल जोन में पहुंचेंगे वहां पहले तो एमएमएफ नहीं था, फ्लक्स नहीं था, तो कोई फ्लक्स नहीं कट हो रहा था न्यूट्रल जोन में, तो कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही थी। जो भी कंडक्टर्स न्यूट्रल जोन में पहुंच रहे थे, इसको आप इस तरह से समझिए कि सपोज ये आपका रोटर है, ये जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा है ये सपोज मेन पोल्स है। आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को अगर हम हटा दें तो जीएनए और एमएनए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस सेम प्लेस पे होंगे, सेम एक्सिस पे होंगे, दैट इज अलोंग क्यू एक्सिस। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, जब आर्मेचर का फ्लक्स यहाँ पे क्रॉस था और यहाँ पर डॉट था, आर्मेचर एमएमएफ जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉरी डिस्टॉर्ट कर देता है मेन फील्ड। तो पहले जो न्यूट्रल जोन में यहां पर अब एमएनए शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड अब इधर हो गई। पहले एमएनए यहां था, ठीक, पहले एमएनए यहां था अलोंग द जीएनए, अब एमएनए शिफ्ट हो गया। तो यानी ये जो न्यूट्रल जोन पहले यहाँ बन रहा था अलॉन्ग क्यू एक्सिस,
अब वो न्यूट्रल जोन यहाँ आ गया। तो अब ये जो कंडक्टर्स पहले रोटेट होके न्यूट्रल जोन में पहुंच रहे थे, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से इनमें ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो रहा है। लेकिन अब जब ये कंडक्टर न्यूट्रल जोन में पहुंचेंगे तो यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड आ गई क्योंकि एमएनए शिफ्ट हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। इसको कहते हैं रोटेशनल ईएमएफ। ठीक, तो अपार्ट फ्रॉम रिएक्टेंस वोल्टेज एक और एडिशनल वोल्टेज इंड्यूस होता है आर्मेचर कंडक्टर में इन द न्यूट्रल जोन बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, जिसको कहते हैं रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, दिस रोटेशनल वोल्टेज ऑल्सो अपोजेस द रिवर्सल ऑफ करेंट। अभी तक तो सिर्फ रिएक्टेंस वोल्टेज ही था जो अपोज कर रहा था रिवर्सल ऑफ करेंट, अब एक और एडिशनल वोल्टेज आ गया रोटेशनल वोल्टेज, ये भी रिवर्सल ऑफ करंट को अपोज करेगा अंडर गोइंग कम्यूटेशन, सिमिलर टू व्हाट रिएक्टेंस वोल्टेज डज। तो यानी डिलेड कम्यूटेशन में जो अभी तक रिएक्टेंस वोल्टेज प्रॉब्लम पैदा कर रहा था, उसके साथ एक और उसका दोस्त मिल गया, वो है रोटेशनल वोल्टेज। ठीक है, तो ये डिलेड कम्यूटेशन में दो प्रॉब्लम्स हैं, एक रिएक्टेंस वोल्टेज एक रोटेशनल वोल्टेज, इनको अब इम्प्रूव करना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ रोटेशनल वोल्टेज, द फ्लक्स डेंसिटी इन द इंटरपोलर जोन शुड बी रिड्यूस टू जीरो। ठीक, जब हम फ्लक्स डेंसिटी को जीरो कर देंगे इंटरपोलर जोन में यानी अलोंग क्यू एक्सिस, तो जब वहां एमएमएफ ही नहीं होगा, फ्लक्स ही नहीं होगी, तो कंडक्टर कट ही नहीं करेंगे किसी फ्लक्स को, तो ईएमएफ कहाँ से इंड्यूस होगी, तो ये रोटेशनल वोल्टेज गायब हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग इंटरपोल्स इन बिटवीन द मेन पोल्स। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग इंटरपोल्स इन बिटवीन द मेन पोल्स। एक्चुअली द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द इंटरपोल्स डज टू थिंग्स, दो काम करती है फ्लक्स जो इंटरपोल क्रिएट कर रहा है। पहला काम करती है न्यूट्रलाइजेस द आर्मेचर क्रॉस फ्लक्स एंड इन एडिशन प्रोड्यूसेस सम फ्लक्स इन द इंटरपोलर जोन। दो काम करती है इंटरपोल की वाइंडिंग जो फ्लक्स क्रिएट कर रही है, एक काम तो ये करती है कि जो न्यूट्रल जोन में फ्लक्स क्रिएट हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, और दूसरा काम ये करती है कि कुछ एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस करती है इंटरपोलर जोन में जो कि रोटेशनल ईएमएफ के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर। तो ये दो काम है जो पूरा करती है इंटरपोल की फ्लक्स। ठीक, दिस एडिशनल फ्लक्स प्रोड्यूसेस, ये जो सेकेंड पॉइंट है जो एक्स्ट्रा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है इंटरपोलर जोन में इंटरपोल, दिस एडिशनल फ्लक्स प्रोड्यूसेस रोटेशनल वोल्टेज इन द कम्यूटेटर कॉइल इन सच अ डायरेक्शन एज टू निलिफाई द इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो एडिशनल फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, रोटेशनल वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है कम्यूटेटर कॉइल में इन सच अ डायरेक्शन एज टू निलिफाई द इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंस वोल्टेज। तो जो पहली वाली लाइन लिखी है इस, ये क्या करेगी, ये रोटेशनल वोल्टेज जो क्रॉस इफेक्ट के वजह से यानी जो न्यूट्रल जोन में फ्लक्स पैदा हो रही है उसके वजह से जो रोटेशनल वोल्टेज पैदा हो रहा है, पहला वाला पॉइंट उसको खत्म कर देगा, और दूसरा वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो क्या खत्म करेगा, उसके वजह से एक एडिशनल रोटेशनल वोल्टेज इंटरपोल्स खुद क्रिएट कर देंगे जो कि रिएक्टेंस वोल्टेज को नलीफाई कर देंगे उसके अपोजिट वोल्टेज प्रोड्यूस करके। दिस मैथड ऑफ अचीविंग गुड कम्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल्स इज कॉल्ड वोल्टेज कम्यूटेशन। यानी ये जो दो पॉइंट लिखे हैं इसके हेल्प से गुड कम्यूटेशन को अचीव करने को कहते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरपोल्स। इसमें किसी को कुछ पूछना है, किसी की कोई क्वेरी किसी स्टूडेंट की? एनीवन, एनी क्वेरी जो भी इंटरपोल्स के बारे में आपने पढ़ा? सर हाँ ये दो पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे सर, नेटवर्क चला गया था। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लूँ कोई और तो नहीं है दोबारा ज्वाइन करने के लिए। चलिए एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए इंटरपोल्स जो हैं वो दो काम करते हैं,
एक तो वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूट्रल जोन में फ्लक्स आता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, पहला काम। ठीक, इससे क्या होगा, जो रोटेशनल वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था आर्मेचर के कंडक्टर्स में इन द न्यूट्रल जोन, वो खत्म हो जाएगा। ये पहला पॉइंट ये बताता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इंटरपोल कुछ एक्स्ट्रा फ्लक्स भी प्रोड्यूस करता है इन द इंटरपोलर जोन, जिसके वजह से इंटरपोल एक रोटेशनल वोल्टेज इंड्यूस करता है इन अपोजिट टू द रिएक्टेंस वोल्टेज जो कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, जिससे कि रिएक्टेंस वोल्टेज का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए और प्रॉपर रिवर्सल ऑफ करंट आर्मेचर कॉइल में होने लगे, जिससे कि कम्यूटेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। क्लियर हुआ अभिषेक? हाँ सर। अब जो ब्रश शिफ्ट मेथड है उसका डिसएडवांटेज एक बार फिर से सुन लीजिए। फॉर इम्प्रूविंग द कम्यूटेशन द ब्रशेस विल हैव टू बी शिफ्टेड फॉर एवरी चेंज इन लोड, जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग कि जितनी बार लोड चेंज होगा ब्रश हर बार आप चेंज करते रहिए, ये कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, क्योंकि एंगल जो है वो आर्मेचर करंट पे डिपेंड कर रहा है। ब्रश शिफ्ट का जो एंगल है, जितनी ज्यादा करंट होगी शिफ्ट उतना ज्यादा होता जाएगा। तो फॉर लार्जर शिफ्ट ऑफ द ब्रशेस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर अ जनरेटर एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर अ मोटर, द डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स इंक्रीज एंड द मेन फ्लक्स इज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। यानी बहुत ज्यादा शिफ्ट कर देंगे अगर ब्रशेस को तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिससे मेन फ्लक्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए ब्रश शिफ्ट मेथड को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, उसके प्लेस पे इंटरपोल्स यूज करते हैं डीसी मशीन के अंदर, जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब इंटरपोल्स को डिटेल में समझते हैं। अभी तक हमने आपको इंटरपोल्स के बारे में बताया क्या क्या काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल समझिए। इंटरपोल देखिए इस तरह का कुछ इंटरपोल्स वाइंडिंग होती है। ये वाली आप पहला वाला जो डायग्राम देख रहे हैं ये बिना इंटरपोल के, तो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा हुआ है। तो एक ये कॉयल है ए बी, अब ये कॉयल आपको दिखा रही है, यहाँ पे दो एक्सेस पहले बना लिया जाए। ये जो एक्सेस है ये है आपकी क्यू एक्सेस, और ये वाली जो एक्सेस है वो है डी एक्सेस। तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से अलोंग क्यू एक्सेस आप देखिए यहाँ पर ये ए बी जो कॉयल है इसमें देखिए आप ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। यहाँ पर देखिए क्रॉस बना है, यहाँ देखिए डॉट बना हुआ है। अगर आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता तो यहाँ पर जब कॉइल्स पहुंचती, यानी ए बी कॉइल जब यहाँ पहुंच रही होती तो ना यहाँ क्रॉस होता ना यहाँ डॉट होता, यानी यहाँ कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ए बी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने लगा। ठीक, ये प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से स्पार्किंग होती है, ब्रशेस के कॉम्बिटेशन में प्रॉब्लम आती है। इसको नलिफाई करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे इंटरपोल लगाया गया। अब देखिए इंटरपोल की पोलैरिटी जनरेटर के केस में, देखिए ये जो रोटेशन की डायरेक्शन है ये हमने मान लिया जनरेटर, दैट इज क्लॉकवाइज, और अपोजिट इसके जो डायरेक्शन है वो मोटर के रोटेशन की। ठीक है, ये दो पोल डीसी मशीन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो जनरेटर के रोटेशन की है, और अगर ये सेम मशीन एज अ मोटर यूज करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोटर के लिए। ठीक, तो अब इस हिसाब से समझिए कि जो इंटरपोल्स हैं उसके पोल की पोलैरिटी क्या रखेंगे। जनरेटर के केस में जब रोटर आपका रोटेट हो रहा है तो रोटेट होते ही जो आपको पोल्स मिल रहे हैं, यानी अहेड जो पोल मिल रहा है सेम पोलैरिटी इंटरपोल्स की होती है। देखिए क्लॉकवाइज घूमिए तो एस पोल पड़ेगा, इसलिए इंटरपोल के इस पोल की पोलैरिटी एस है। और मोटर के केस में देखिए कि मोटर इधर की तरफ घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो पोल पड़ेगा उसके अपोजिट पोलैरिटी इंटरपोल्स की होगी। इसी तरह से इधर से घूमते जाइए फिर इधर आइए, देखिए यहाँ एन पोल क्यों है इंटरपोल का, क्योंकि इसका जस्ट नेक्स्ट पोल क्या है एन पोल। जनरेटर के केस में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज चलिए क्यू एक्सिस से मेन पोल की तरफ। जैसे ही आप क्यू एक्सिस से मेन पोल की तरफ चलेंगे क्लॉकवाइज तो पोल क्या पड़ेगा एस, इस वजह से यहाँ पर इंटरपोल में एस पोल है। और फिर फर्दर बढ़िए क्लॉकवाइज क्यू एक्सिस पे आइए, यहाँ पर क्या है एन पोल। क्यों एन पोल है, क्योंकि इसके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही एन पोल पड़ेगा, इसलिए यहाँ एन पोल है। अब मोटर के केस में देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमिए,
पहला पोल क्या पड़ेगा, एन पोल, इस वजह से यहाँ अपोजिट पोल है, दैट इज एस पोल। फिर आगे फर्दर बढ़िए, यहाँ पर क्या पड़ा, एन पोल, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट आगे एस पोल है, तो यहाँ अपोजिट पोल होना चाहिए। तो मोटर और जनरेटर के केस में ये एक मेथड है पहचानने का कि पोलैरिटी इंटरपोल की क्या होनी चाहिए। और उसके अलावा आसान तरीका आप ये जान लीजिए, आप फिलहाल जनरेटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन देख रहे हैं, मोटर के लिए एग्जैक्टली अपोजिट हो जाते हैं सारे टर्मिनोलॉजी। तो जो आर्मेचर MMF है वो नीचे की तरफ है अलोंग क्यू एक्सिस, नीचे की तरफ, तो जो इंटरपोल है वो इस तरह से फ्लक्स बनाना चाहिए जो इसको अपोज करे, यानी 180 डिग्री एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये कैसे हो सकता है, जब आप यहाँ पर एस पोल बनाए या एन पोल बनाए, तभी तो ये फ्लक्स ऊपर की तरफ बनाएगा इंटरपोल, फाई वन जो डिनोट किया गया है डायग्राम। तो ये वाला जो फ्लक्स है फाई वन, जो इंटरपोल का फ्लक्स है, इसने क्या किया, आर्मेचर के फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। कैसे, इसने 180 डिग्री अपोजिट एक फ्लक्स प्रोड्यूस किया जो इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। इस वजह से देखिए यहाँ जो कॉइल ए बी पहले इस डायग्राम में थी, यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो कॉइल ए बी यहाँ पर है, इसमें देखिए अब ना तो क्रॉस है ना तो डॉट है, यानी अब जब कॉइल्स रोटेट होके यहाँ पहुंचेगी तो इसमें जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इससे क्या होगा, स्पार्किंग की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये चीज आप लोगों को समझ में आई इंटरपोल की वर्किंग। यस सर, ठीक। तो अब यहाँ जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं, हमने कहा पहले आप लोगों को समझा दिया जाए तब इसके बारे में पढ़ा जाएगा। सर हाँ सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन था, जैसे जैसे डीसी मोटर हम होती हमारी, तो उसकी डायरेक्शन सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके जो रोटर का रोटेशन है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे होगा, और जनरेटर के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देखते हैं। जी सर, थैंक यू सर। तो द इंटरपोल्स आर नैरो पोल्स placed exactly midway between the main poles, already discuss कर चुके हैं हम लोग। The interpoles are fitted to the yoke and are also known as commutating poles or comp poles. In order to make the flux density zero under the brush for a generator, the polarity of the interpole must be the same as that of the main pole ahead of it. ये लाइन अभी हमने आपको समझाई है, फिर से इसको पढ़ लीजिए। द पोलैरिटी ऑफ द इंटरपोल मस्ट बी द सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल अहेड ऑफ इट, यानी जनरेटर के केस में जो इंटरपोल के पोल की पोलैरिटी है वो सिमिलर होनी चाहिए जो इसके आगे आने वाला मेन पोल है उसके हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पे जनरेटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है रोटर जनरेटर के लिए, तो इंटरपोल की पोल की पोलैरिटी क्या होगी, जो इसके जस्ट आगे आने वाला मेन पोल है उसके पोलैरिटी के सिमिलर, इसीलिए यहाँ एस पोल है। मोटर के केस में जब रोटेट आप देखेंगे रोटेशन मोटर का, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इंटरपोल की पोलैरिटी कैसे होनी चाहिए, इसके जो अहेड पोल आने वाला है उसके अपोजिट, यानी एन आने वाला है तो यहाँ क्या होना चाहिए, एस। तो इसको आप याद ना करें तो ज्यादा बेटर है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जैसे लिखा है फॉर अ मोटर द पोलैरिटी ऑफ द इंटरपोल मस्ट बी द सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल बिहाइंड इट, ठीक है। तो इसको याद करने से बेटर ये है कि आप ये समझ लीजिए कि इंटरपोल बनाते क्यों और उसका काम क्या है, तो आपको पोलैरिटी इस तरह से अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी कि हमको फाई ए को अपोज करना है तो यहाँ एस पोल और यहाँ एन पोल बनना चाहिए, ठीक है। तो याद करने का ये बेटर तरीका, इस लाइन को याद रखेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, अगर सेंटेंस भूल गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसी तरह से याद रखिए कि फाई ए के अपोजिट अगर फ्लक्स बनानी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ एस पोल और यहाँ एन पोल बनेगा, तभी तो ऊपर की तरफ फ्लक्स बनेगी जो कि फाई ए के अपोजिट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट, द इंटरपोल वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर, ये भी मैंने आपको बताया, आर्मेचर के सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि सेम करंट इंटरपोल वाइंडिंग में भी जाए और आर्मेचर में भी जाए, क्योंकि जिसके इफेक्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना है वो क्या है, आर्मेचर रिएक्शन, तो हमें आर्मेचर के MMF को न्यूट्रलाइज करना है, उसके इफेक्ट को कम करना है, इसीलिए जो करंट आर्मेचर MMF को प्रोड्यूस कर रही है वही करंट अगर इंटरपोल में जाएगी तो हम इसके इफेक्ट को आसानी से न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, ठीक है।
बिकॉज द इंटरपोल मस्ट प्रोड्यूस फ्लक्सेस दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करेंट. अब इससे क्या होगा कि जब लोड में कुछ चेंजेस आएंगे, सपोज अगर लोड करंट बढ़ने लगी यानी आर्मेचर करंट बढ़ने लगी, तो इंटरपोल जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट बढ़ जाएगा, इंटरपोल कुछ कर ही नहीं पाएगा. इसीलिए सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इंटरपोल्स को आर्मेचर के साथ. ठीक है, द आर्मेचर एंड इंटरपोल एमएमएफ्स आर इफेक्टेड साइमल्टेनियसली बाय द सेम आर्मेचर करेंट, जो कि अभी मैंने आपको बताया. तो कंसिक्वेंटली द आर्मेचर फ्लक्स इन द कम्यूटेटिंग जोन which tends to shift the magnetic neutral axis is neutralized by an appropriate component of interpole flux. ठीक, तो जो न्यूट्रल जोन में फ्लक्स पैदा हो रही थी उसको इंटरपोल की एप्रोप्रिएट कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया. तो अब जो है एमएनए का कोई शिफ्ट नहीं होगा, तो ब्रश शिफ्टिंग का झंझट खत्म हो जाएगा. ठीक है, द न्यूट्रल प्लेन इज देयरफॉर फिक्स्ड इन पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द लोड. लोड बढ़ेगा या घटेगा उसी के अकॉर्डिंग इंटरपोल की फ्लक्स भी अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा लेगी, ताकि न्यूट्रल जोन में जो फ्लक्स पैदा हो रही है उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके. तो इंटरपोल इस तरह से न्यूट्रल जोन में फ्लक्स को न्यूट्रलाइज कर देता है. देखिए ये जो डायग्राम है ये आप पीएस भीमरा में देख सकते हो, समझ सकते हो. उससे मैंने इसलिए वजह से इसको लिया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूं. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो मेन फ्लक्स है, फ्लक्स डेंसिटी है, वो कुछ कुछ रेक्टेंगुलर शेप की होती है, यानी कि फ्लैट टॉप. आर्मेचर जो फ्लक्स है एमएमएफ है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से डिस्टॉर्ट होता है. ठीक, इस तरह का फ्लक्स होता है. अब इस तरह से ये फ्लक्सेस कैसे बन रहे हैं ये बड़ा उसको समझना मुश्किल काम नहीं है. देखिए जो मेन फ्लक्स है वो किधर है, डी एक्सिस के अलॉन्ग. ठीक है, मान लीजिए जो मेन एमएमएफ है वो किधर है, अलॉन्ग डी एक्सिस. तो इसका अगर आप क्यू एक्सिस पे कंपोनेंट निकालने के लिए आपसे कहा जाए क्यू एक्सिस पे, कि इसका क्यू एक्सिस पे कंपोनेंट बताइए, तो अगर ये अलॉन्ग डी एक्सिस है तो ऑब्वियस सी बात है क्यू एक्सिस पे इसका कंपोनेंट जीरो होगा. तो यानी जो मेन फील्ड है, मेन एमएमएफ है, वो किधर होगी, अंडर द पोल होगी. ठीक है, क्योंकि क्यू एक्सिस पे क्या होगी, जीरो होगी. तो इसी वजह से आप देखिए कि क्यू एक्सिस पे आके ये जीरो हो जा रही है. यहाँ पे क्यू एक्सिस है, यहाँ पे क्यू एक्सिस है, यहाँ पे क्यू एक्सिस. ये डायग्राम लीनियर डायग्राम बना है, मतलब अगर आप रेक्टेंगुलर सॉरी सर्कुलर शेप अगर रोटर का देखिए, तो इस तरह से दो मेन पोल हो गए और यहाँ पर ये ब्रशेज होते हैं क्यू एक्सिस पे. तो इसको अगर कट करके लीनियर बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा. यहाँ पे इस तरह से पोल आ जाएंगे, एन पोल एस पोल, यहाँ पर इन बिटवीन क्यू एक्सिस. इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्यू एक्सिस मान सकते हैं और यहाँ पर भी क्यू एक्सिस ले सकते हैं. फिर से इसको जब क्लोज करेंगे तो ये इस तरह से सर्कल बन जाएगा. ठीक है, तो लीनियर वे में इसका डायग्राम बना के समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, इसलिए बुक में ये डायग्राम बनाया गया है. मैं कोशिश करता हूँ शायद आप लोगों को समझ में आ जाए. ये वाला शेप इस तरह से क्यों बन रहा है, उसका कारण मैंने आपको बताया कि जो मेन एमएमएफ है वो अलोंग डी एक्सिस है. तो इसका मतलब सीधा है कि क्यू एक्सिस पे इसका कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल है पाई बाई टू, दैट इज 90 डिग्री. ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री. तो आप क्यू एक्सिस पे कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, एमएमएफ कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्यू एक्सिस के अलॉन्ग तो जो मेन फील्ड है वो जीरो हो जाएगी. इसी वजह से देखिए कि ये अलॉन्ग मेन पोल, अंडर द मेन पोल यहाँ पर और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू है, और जैसे ही क्यू एक्सिस की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जा रही है. इधर भी देखिए जीरो पहुंचा रही. ठीक है, अब यहाँ पर कन्वेंशन हमें लेना है. अगर आप अंडर द एस पोल पॉजिटिव मान रहे हैं एमएमएफ को, तो अंडर द एन पोल नेगेटिव मानेंगे, इसीलिए नीचे की तरफ आइए. इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं इस डायग्राम में. आप चाहें तो ये डायग्राम इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप यहाँ पर पॉजिटिव दिखा दीजिए और यहाँ पर नेगेटिव दिखा दीजिए,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कन्वेंशन की बात। एन पोल पॉजिटिव मान लीजिए एमएमएफ को और एस पोल के नीचे नेगेटिव मान, ठीक है। तो फिलहाल जो यहाँ पर बना हुआ हम उसी से समझते हैं क्योंकि नीचे के डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप उस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं, इस स्ट्रिप को आप मान लीजिए ये आर्मेचर में स्लॉट्स यहीं पे कंडक्टर लगने हैं, ठीक है। अभी इस डायग्राम में यहाँ जो आर्मेचर कंडक्टर्स है इनमें करंट नहीं दिखाई गई, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स हैं इनमें करंट पहले डायग्राम में नहीं दिखाई गई। तो आर्मेचर करंट नहीं है तो आर्मेचर की एमएमएफ नहीं है पहले डायग्राम में। अब सेकेंड डायग्राम में क्या किया गया कि यहाँ पर मेन फील्ड को हटा लिया गया, सिर्फ दिखाया गया किसको, आर्मेचर कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन। तो अंडर द एन पोल क्रॉस होता है, जब मैंने आपको समझाना शुरू किया था स्टार्टिंग में आर्मेचर रिएक्शन, तो उस डायग्राम को याद कीजिएगा, तो अंडर द एन पोल क्रॉस बनाया था मैंने, अंडर द एस पोल डॉट बनाया था। तो इसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की गई है, ये डॉट लाइन से राइट हैंड ग्रिप रूल लगाइए, क्रॉस मतलब थंब अंदर की तरफ, ठीक है। थंब अंदर की तरफ आप करेंगे तो फील्ड किधर आएगी, फील्ड आएगी इस तरह से क्लॉकवाइज जो यहाँ बना हुआ है, ठीक है, क्लॉकवाइज। और डॉट मतलब आप अपने स्क्रीन से, मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन से बाहर की तरफ रखिए थंब को और फिंगर कर्ल कीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब आप ये देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि इसका शेप जो है आर्मेचर एमएमएफ का वो ट्रायंगुलर ही क्यों है, ठीक है। तो देखिए उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आर्मेचर की एमएमएफ है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होती है, एक मिनट, जो आर्मेचर की एमएमएफ है वो किधर बनती है फ्लक्स, क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग, जो एमएमएफ है वो किधर बनती है क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग। तो इसका अगर आप कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्ट एक्सिस देखेंगे तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहां पर आप निकालिए एफ आर्मेचर कॉस 90, तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है आर्मेचर एमएमएफ की वो किधर होगी, अलोंग क्यू एक्सिस, और डी एक्सिस पे आके क्या हो जाएगी 0। इसीलिए अब इस डायग्राम को देखिए आप, तो अलोंग क्यू एक्सिस देखिए मैक्सिमम पीक आई, फिर जैसे जैसे डायरेक्ट एक्सिस यानी अंडर द पोल आने लगा एमएमएफ, वैसे वैसे ये रिड्यूस होके यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मेन पोल के मिड में आके ये 0 हो गया आर्मेचर का एमएमएफ, फिर नेगेटिव साइड पड़ने लगा, फिर क्यू एक्सिस पे आके नेगेटिव पे मैक्सिमम हो गया। इसी तरह से इधर देखिए क्यू एक्सिस पे आके नेगेटिव पे मैक्सिमम हो गया। तो ये कारण है इसका ट्रायंगुलर शेप होने का आर्मेचर एमएमएफ का, क्योंकि इसको क्यू एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम होना है और डी एक्सिस पे 0 होना है, इसलिए जैसे ही डी एक्सिस आने लगी यानी अंडर द पोल जब आने लगा एमएमएफ तो वो रिड्यूस होने लगा, एग्जैक्टली मिड पर आके 0 हो गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते फिर जब क्यू एक्सिस आई तो वहां पे फिर पीक आ गई इसकी, मैक्सिमम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी एग्जैक्टली देखिए बिटवीन द एस पोल 0 हो गया और जैसे जैसे फिर क्यू एक्सिस की तरफ बढ़ा फिर से ये नेगेटिव मैक्सिमम। तो ये रिजल्टेंट आर्मेचर एमएमएफ है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर, सॉरी ट्रायंगुलर, और ये कुछ कुछ रेक्टेंगुलर है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है मेन फील्ड की उसका क्या शेप होता है, वो किस तरह की होती है, तो आप जवाब दे सकते हैं फ्लैट टॉप अगर ऑप्शन में है, अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर टिक लगाइएगा, फ्लैट टॉप है तो फ्लैट टॉप टिक लगाइए, और आर्मेचर एमएमएफ के केस में क्या लगाएंगे आप, रेक्टेंगुलर ऑप्शन दिया होगा उसको आप टिक लगाइएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। ये चीज आप लोगों को समझ में आई, बच्चों? यस सर, क्लियर है आप लोगों को ये कंसेप्ट? देखिए अब इसके बाद जब इन दोनों के इफेक्ट को आप एक साथ कंसीडर करेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पर इस वाले एक्सिस पे देखिए यहाँ पर मेन फील्ड का मेन फील्ड जो एमएमएफ है वो 0 है, आर्मेचर एमएमएफ क्या है नेगेटिव, तो अब यह क्या करेगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों को आप सुपर इम्पोज करिए तो क्या मिलेगा नेगेटिव, इसलिए देखिए यहाँ पे यह सॉलिड लाइन से जो फील्ड बनी है फ्लक्स डेंसिटी वो नेगेटिव से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली लाइन ये देखिए यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, क्यों नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे देखिए मेन फील्ड 0 हो गई लेकिन आर्मेचर फील्ड क्या है नेगेटिव है,
तो ये वाला जीरो और वाला नेगेटिव आप सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए ये वेवफॉर्म नेगेटिव से शुरू हुई। तो नेगेटिव से शुरू हुई तो देखिए जीरो शिफ्ट हो गया, जो पहले जीरो पॉइंट सी डैश पे आ रहा था अब वो यहाँ पर आ रहा है डी डैश, ये वाला पॉइंट क्या है, ये डी डैश है। तो जो न्यूट्रल जोन है वो शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। पहले न्यूट्रल जोन क्या था, ये देखिए पहले न्यूट्रल जोन था सी डैश सी, लेकिन आर्मेचर एमएमएफ जैसे ही आई उसने डिस्टॉर्ट कर दिया, ये रिजल्टेंट सॉलिड लाइन से बनी हुई फील्ड ये डिस्टॉर्ट हो गई, तो अब नया न्यूट्रल जोन क्या हो गया, डी डैश डी। तो ये प्रॉब्लम आ गई आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। ये आप देख रहे हैं कि अंडर द पोल किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया, आप इन दोनों को सुपर पोज करके देखेंगे तो इसी तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखिए अलोंग क्यू एक्सिस पीक आ रही है ट्रायंगल की, तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर ये पोल टिप के पास यहाँ पे बढ़ गया, एस पोल का जो निचला हिस्सा है वहां पे देखिए ये फ्लक्स बढ़ गया, और इसी तरह से एन पोल का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी टॉप टिप वहां पर फ्लक्स की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई, ठीक। और जो डी डी डैश है नया न्यूट्रल जोन, यानी कि यहाँ पर नया न्यूट्रल जोन आ गया, और ये एंगल जो शिफ्ट हुआ एम एन ए उसको नाम दिया गया थ्रीटा। तो ये इफेक्ट है जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से रिजल्टेंट जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्लक्स डेंसिटी है, उस पे आता है। इसी को न्यूट्रलाइज करता है इंटरपोल, किस तरह से न्यूट्रलाइज करता है वो इस डायग्राम को देखिए। ये देखिए इंटरपोल है अलोंग क्यू एक्सिस, एन पोल एस पोल। अब इसमें जनरेटर की बात करें तो जनरेटर के रोटेशन की डायरेक्शन इधर है और मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन इधर है। तो जो नियम अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से देखिए, तो अगर आप राइट हैंड साइड पढ़ेंगे तो यहाँ एन पोल है, जनरेटर के केस में अगला पोल क्या आना चाहिए, एन पोल। जो इंटरपोल का यहाँ पर पोल है वही यहाँ पर होना चाहिए मेन पोल की पोलैरिटी। और इधर चलिए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो एन पोल ये इंटरपोल इससे इधर की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपोजिट पोलैरिटी होनी चाहिए मेन पोल की, तो देखिए एस पोल है, तो डायग्राम इस हिसाब से सही है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो सॉलिड लाइन से बना हुआ डायग्राम, ये इंटरपोल ने जो एमएमएफ बनाया, ये मान लीजिए कि फ्लक्स डेंसिटी की एक्सिस है डी, तो यहां पर ये एस पोल है, एस पोल के नीचे जो फ्लक्स है उसको पॉजिटिव मान लिया है, कन्वेंशन है, तो एन पोल के नीचे क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो एग्जैक्टली अंडर द एस पोल यहां पर आपको ये एमएमएफ मिलेगा, फिर क्योंकि पोल का जो एरिया है ये देखिए इसको नीचे की तरफ बढ़ा लीजिए, तो एग्जैक्टली इसके नीचे एमएमएफ मिलेगा, जैसे ही इसके बाहर जाएंगे तो एमएमएफ क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ अंडर द एन पोल नेगेटिव मान लिया एमएमएफ को तो नीचे की तरफ बना हुआ है, यहाँ अंडर द एस पोल पॉजिटिव मान लिया तो ऊपर की ओर बना, इसका ठीक उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एस पोल के अंदर नेगेटिव मान सकते हैं, एन पोल के अंदर पॉजिटिव। तो अब जो यहाँ रिजल्टेंट एमएमएफ इस वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पे जो बनी हुई, इसको और इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए जो नेगेटिव मिल रहा है आपको सी और सी डैश के बीच में, यहाँ पर जो इंटरपोल का कंपोनेंट है एमएमएफ का, ये देखिए ये पॉजिटिव है, तो ये डोमिनेट करेगा इस वाले रिजल्टेंट डिस्टॉर्टेड एमएमएफ वेव को, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव आ जाएगा फ्लक्स वेव। इसी तरह से यहाँ देखिए अलोंग द क्यू एक्सिस, ये देखिए यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट वेव है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, इस वाले कंपोनेंट ने डोमिनेट किया इस वाले हिस्से को रिजल्टेंट डिस्टॉर्टेड फील्ड को, तो ये देखिए नेगेटिव में आ गया। इसी तरह से यहाँ देखिए सी और डी डैश के बीच में, तो यहाँ पर सी डैश और डी डैश के बीच में सॉरी, यहाँ पर ये वाला हिस्सा किधर है, नेगेटिव की तरफ है, यहाँ पर आइए जो ये कॉम्यूटेटिंग पोल्स यानी कि इंटरपोल्स जो है उसका ये हिस्सा पॉजिटिव है एमएमएफ का, इसने डोमिनेट किया इस वाले पॉइंट पर तो ये पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। तो अभी जो क्यू एक्सिस में इस वाले डायग्राम में नेगेटिव थी एमएमएफ, वो यहाँ पर पॉजिटिव हो गई, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव थी यहाँ नेगेटिव हो गई, और इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव थी यहाँ पर पॉजिटिव हो गई। तो इंटरपोल ने क्या किया कि जो प्रॉब्लम थी कम्यूटेशन की उसको इम्प्रूव किया। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा
कि हमने तो ये बताया था कि क्यू एक्सिस के अलोंग जो एमएमएफ होती है वो जीरो हो जाती है, इंटरपोल्स का ये काम है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा निगेटिव, यहाँ थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंटरपोल्स होते हैं इनमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखते हैं कंपेयर टू आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब कहने का आसान भाषा में मतलब ये है कि जो इंटरपोल की फ्लक्स है इसको कोशिश करते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स से ज्यादा प्रोड्यूस हो, क्योंकि इसको दो काम करने होते हैं, एक को रिएक्टेंस वोल्टेज को मिनिमाइज करना होता है, दूसरा रोटेशनल वोल्टेज को जीरो करना होता है। रिएक्टेंस वोल्टेज को जीरो करना, रोटेशनल वोल्टेज को जीरो करना, तो इसलिए एक्स्ट्रा टर्न लगाए जाते हैं इंटरपोल्स में। इस वजह से आपको यहाँ दिख रहा होगा पॉजिटिव, यहाँ दिख रहा होगा नेगेटिव, यहाँ दिख रहा होगा पॉजिटिव। ठीक, तो ये जवाब है इसका कि यहाँ जीरो तो हुआ नहीं, इंटरपोल की वर्किंग के हिसाब से तो यहाँ पे यहाँ वेव आनी चाहिए थी, ये वेव भी यहाँ आनी चाहिए थी, ये वेव भी यहाँ पे पहुंचनी चाहिए थी, यानी जीरो हो जाना चाहिए था, यानी कि न्यूट्रल जोन में एमएमएफ हमें मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इंटरपोल की वर्किंग से तो दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे और पॉजिटिव मिल रहा है। इसका जवाब ये है क्योंकि इंटरपोल को दो काम करने हैं, एक तो रोटेशनल वोल्टेज को जीरो करना है, दूसरा रिएक्टेंस वोल्टेज को जीरो करना है, इसलिए जो इंटरपोल्स हैं उसमें एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लगाते हैं ताकि ये आर्मेचर फ्लक्स से स्ट्रॉन्ग फ्लक्स पैदा करे और ये दोनों इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, दैट इज रिएक्टेंस वोल्टेज और रोटेशनल वोल्टेज। ठीक है, लेकिन अभी भी आपको एक प्रॉब्लम इस डायग्राम में नजर आ रही होगी, ये वाले रिजल्टेंट फील्ड में, कि अभी भी अंडर द पोल आप देखिए तो ये डिस्टॉर्ट है वेव। क्यू एक्सिस के अलॉन्ग तो प्रॉब्लम सही हो गई, यानी कम्यूटेशन तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो नहीं इम्प्रूव, अभी भी वेवफॉर्म डिस्टॉर्ट है अंडर द एन पोल एंड अंडर द एस पोल। तो इंटरपोल्स जो है वो कम्यूटेशन तो इम्प्रूव कर देते हैं, लेकिन ये जो डिस्टॉर्शन है अंडर द मेन पोल रिजल्टेंट फील्ड का, इसको ये सही नहीं कर पाते, ये चीज सही होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग से। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा और उसमें ऑप्शन दिए होंगे तो आप इंटरपोल की वर्किंग में सेलेक्ट करेंगे कि ये कम्यूटेशन को इम्प्रूव करता है, लेकिन ये डिस्टॉर्शन को यानी क्रॉस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स को ये खत्म नहीं कर पाता, अभी भी वेवफॉर्म आप देख रहे हैं डिस्टॉर्ट है। अब अगर आप इस एस पोल को या एन पोल को आप दो भागों में बांट दें इक्वल भागों में, तो आप देखिए कि एक भाग में आप देखिए फ्लक्स ज्यादा है, एक भाग में कम है, तो इसका मतलब ये जो कम्यूटेटिंग सेगमेंट्स होंगे उनमें फ्लक्स ईएमएफ जो है आधे पार्ट में ज्यादा, आधे पार्ट में बहुत ज्यादा, आधे पार्ट में थोड़ा कम, तो इसका मतलब यह है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होंगे और मेल्ट होके उनके पिघलने की यानी उनके खराब होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा स्पार्किंग भी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि देखिए पीक दिख रहा है ना आपको, आधे हिस्से में पीक है, आधे हिस्से में कम, इसी तरह से इधर भी है, तो क्या होगा कि ईएमएफ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी कम्यूटेटर सेगमेंट्स में जो कि इन सेगमेंट्स को डैमेज कर सकती है, बहुत ज्यादा स्पार्किंग पैदा हो सकती है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं फ्लैश ओवर। तो इंटरपोल्स ने कम्यूटेटिंग जोन में तो प्रॉब्लम सही कर दी, यानी कम्यूटेशन को तो इम्प्रूव कर दिया, लेकिन ये डिस्टॉर्शन को इम्प्रूव नहीं कर पाता, और डिस्टॉर्शन से क्या प्रॉब्लम है, फ्लैश ओवर की प्रॉब्लम है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स है उनमें ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, वो स्पार्किंग प्रोड्यूस कर सकता है जिससे ये मेल्ट हो सकते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लैश ओवर। तो यहाँ पर आप ये चीज लिखी भी हुई है, इट इज टू बी नोटेड दैट द इंटरपोल्स सर्व ओनली टू प्रोवाइड सफिशियंट फ्लक्स टू एश्योर गुड कम्यूटेशन, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दे डू नॉट ओवरकम द डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ ऑफ द आर्मेचर। यानी अभी ये वाली प्रॉब्लम अभी भी बनी रहेगी मशीन के अंदर, जो डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स है या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इससे होगा क्या कि ड्यूरिंग सीवियर ओवरलोड्स और रैपिडली चेंजिंग लोड्स द वोल्टेज बिटवीन एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स मे बिकम वेरी हाई। अभी ये चीज मैंने आपको समझाई, दिस मे आयोनाइज द एयर अराउंड द कम्यूटेटर टू द एक्सटेंट दैट इट बिकम्स सफिशियंटली कंडक्टिव एंड आर्क इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम ब्रश टू ब्रश, दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्लैश ओवर। इस फिनोमेना को कहते हैं फ्लैश ओवर, ठीक है, और दिस आर्क इज सफिशियंटली हॉट टू मेल्ट द कम्यूटेटर सेगमेंट्स
it should be extinguished quickly. In order to prevent flashover, compensating windings are used. तो इस flashover की problem को खत्म करने के लिए ये problem किस वजह से हो रही है? क्योंकि अभी भी under the pole जो resultant field है वो distort है. तो under the pole जो distort field है उसको improve करने के लिए compensating winding का इस्तेमाल होता है. थोड़ा सा बचा हुआ है, इस वजह से मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ना नहीं चाहता हूँ. आपकी नेक्स्ट क्लास है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा बस इंतजार कर लीजिए, खत्म कर दें, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मैंने कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन पहले भी आपको बता दिया है, फिर से एक बार. कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन पोल फेसेस पैरेलल टू द आर्मेचर कंडक्टर्स. ठीक है, डायग्राम एक मिनट देख लीजिए. ये देखिए, यहाँ मेन पोल्स के स्लॉट्स में इस तरह से कंडक्टर्स लगाए गए हैं, वाइंडिंग्स लगाई गई हैं. यहाँ देखिए आर्मेचर के कंडक्टर्स में क्रॉस है, तो इसके जस्ट सामने ये जिस पोल के नीचे है उसमें जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसमें देखिए डॉट कन्वेंशन है, यानी अपोजिट, जिससे कि वो आर्मेचर एमएम को न्यूट्रलाइज कर सके अंडर द पोल. कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यही काम है. इसलिए यहाँ पे देखिए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है इसमें अपोजिट पोलैरिटी है करंट की, जिससे कि आर्मेचर एमएमएफ के अपोजिट एमएमएफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रोड्यूस करें. ठीक है, अगर आप इसके एमएमएफ को बनाएं, आर्मेचर के एमएमएफ को, तो यहाँ पर राइट हैंड ग्रिप रूल लगाइए, क्रॉस है तो राइट हैंड की फिंगर जब आप कर्ल करेंगे तो इस तरह से डायरेक्शन होगी ना फ्लक्स, इस तरह से जो एमएमएफ क्रिएट होगा. इसी तरह से कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो एमएमएफ बनाएगी उसको भी इनक्लोज कीजिए. तो डॉट है यानी कि आपका थंब स्ट्रिंग से बाहर की तरफ होगा, आप फिंगर को कर्ल करोगे तो एमएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से आएगी. तो जो मेन प्रॉब्लम है वो है डिस्टॉर्शन, जो पोल टिप पे सबसे ज्यादा आपको दिख रही थी डायग्राम में. ये देखिए पोल टिप पे आपको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा नजर आएगी. ये देखिए पोल टिप पे, यहाँ एस के बिलो पोल टिप पे, एन के अबव पोल टिप पे, ये जो डिस्टॉर्शन है पीक है इसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको यही दिख रही है. तो अब इस चीज को यहाँ देखेंगे आप इस डायग्राम में, तो देखिए पोल एजेस पे यानी टिप पर ये देखिए आर्मेचर फ्लक्स नीचे की तरफ है, तो कंपनसेटिंग फ्लक्स जो एमएमएफ बना रहा है वो ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया. इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो आर्मेचर एमएमएफ है ये ऊपर की तरफ है यहाँ टिप पर एन पोल के, और ये देखिए ये नीचे की तरफ है. इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल कर दिया. तो इस तरह से कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है अंडर द पोल्स जो आर्मेचर एमएमएफ का डिस्टॉर्शन इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करती है. ठीक, और ये वाइंडिंग भी इस चीज को याद रखिए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये भी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में, यानी कि ये भी सेम करंट कैरी करेगी जो आर्मेचर वाइंडिंग कैरी कर रही है वही कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी कैरी करेगी, ताकि लोड वेरिएशन के साथ चेंज जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग के एमएमएफ में भी सिमिलर है. तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन पोल फेसेस पैरेलल टू द आर्मेचर कंडक्टर्स, दीज वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग्स, the direction of currents in the compensating winding must be opposite to that in the armature winding just below the pole faces. ये अभी मैंने आपको clear किया, ठीक है? Thus, compensating winding produces an MMF that is equal and opposite to the armature MMF. यही काम ही है compensating winding का, जिससे कि armature MMF under the pole neutralize हो सके. In effect, the compensating winding demagnetizes or neutralizes the armature
आवाज मिल रही है आप लोगों को? अभिषेक कुशवाहा यस सर आ रही है सर। चलिए बीच में लगता है इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो यस सर।